महाराष्ट्र के मंत्री जी भूल गए कि क्या होती है मंत्री पद की गरिमा। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार ने सारी हदें ऐसे तोड़ी कि सरेआम अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए दिखाई। घटना औरंगाबाद की है, जहां महानगर निगम पालिका के लिए चुनाव के टिकट बंटने थे। बवाल शुरू हुआ और इस बवाल में खुद वो शामिल हो गए और अब्दुल सत्तार ने जमकर मारपीट की, ऐसी जो कि वाकई में स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये मंत्री नहीं, शायद कोई और है। इस हंगामे की हकीकत जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। वैसे तो यहाँ तड़ातड़ लात घूंसे चल रहे हैं, लेकिन असलियत जानने के लिए जरा तस्वीरों को रुक रुक कर देखना होगा। कार्यकर्ताओं के बीच दनादन हाथ पैर चला रहे ये महाशय हैं महाराष्ट्र सरकार में पहली बार मंत्री बने अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार महाराष्ट्र के सिल्लौर से विधायक हैं और महाराष्ट्र के नागरिक खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन सत्तार साहब शायद खुद की गरिमा भी भूल गए और अपने ही कार्यकर्ताओं से सरेआम इस तरह मारपीट पर उतरा। मारपीट की तस्वीरें साफ दिख रही हैं, लेकिन इस दौरान जैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे उसे हम आपको सुना नहीं सकते। तस्वीरें औरंगाबाद की है, जहां महानगर पालिका चुनाव के टिकट के बंटवारे का ऐलान किया जाना था। इस दौरान हुई तूतू मैं यहां तक पहुंच गई कि मंत्री जी भी इसमें शामिल हो गए। इन तस्वीरों को फिर से देखिए, एक कार्यकर्ता नीचे गिरा है और अब्दुल सत्तार कैसे आगे बढ़ पैरों से उसे पीट रहे हैं। मंत्री जी ने मुश्ताक नाम के कार्यकर्ता को थप्पड़ भी जड़ दिया। इस कार्यकर्ता को अब्दुल के पीए और उनके समर्थकों ने मार मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। ये बात और है कि अब्दुल सत्तार इस पूरे हंगामे को विरोधियों की साजिश बताते रहे। मगर साजिश की कोई आता क्या? जो आज जो आया वो किसी तो भी हमारे विरोधी पक्ष से सुपारी लेके आऊंगा मुझे मारने की। अब मंत्री जी की दलील जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि विरोधियों से निपटने के इस तरीके को सही ठहराना आसान नहीं है। औरंगाबाद से किशोर निकम के साथ मनीष अवस्थी, नागपुर आज तक। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मारपीट का यह मामला मीडिया में उछाला गया तो अब्दुल सत्तार ने इसे विरोधियों की साजिश बताया। अब बताइए, तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, मंत्री साहब कुछ और।